हाय दोस्तों, हर हर गंगे आप सबका हार्दिक स्वागत है। रमेश कुमार वी ब्लॉग्स में अभी आप निर्मल धारा की पावन दर्शन अमावस्या के दिन ब्रह्म कुंड के पास से कर रहे हैं। ब्रह्म कुंड के दर्शन करना काफ़ी अच्छा माना जाता है और ब्रह्म कुंड के पास स्नान करना भी। तो आज हम आपको ब्रह्म कुंड के पास का दृश्य दिखा रहे हैं और ब्रह्म कुंड के दर्शन भी कराएंगे। तो हमारी एंट्री यहाँ जो सबसे प्रमुख घाट हर की पैड़ी में हो रही है और भीड़ श्रद्धालु की संख्या में आपको जो वृद्धि यहाँ पे देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा है। तो हम अभी चलेंगे अंदर की ओर। यहाँ पे चप्पल जूता रखने का स्टॉल है, आप स्टॉल पे ही रखें नहीं तो आपको ढूंढने में काफ़ी परेशानी होगी। यहाँ पे जल है, जल से हम एंट्री करने के बाद हर की पैड़ी में हम प्रवेश करेंगे। काफ़ी अनुभूति अच्छी होती है जल से, जल में पैर रखने के बाद काफ़ी शीतल जल होता है। आरती का टाइम अभी देख रहे हैं आप, यहाँ पे लिखा हुआ है एक घंटा पहले आके आप स्थान ग्रहण यहाँ पे कर लीजिए अगर आपको आरती के पावन दर्शन करने हैं, क्योंकि श्रद्धालु की संख्या में वृद्धि आपको देखने को मिली है। शाम के टाइम भी वृद्धि देखने को मिलेगी। आप सबसे एक प्यारी सी रिक्वेस्ट है, आप अगर हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक रिक्वेस्ट और है, भीड़ आप देख रहे हैं श्रद्धालुओं की, यहाँ पे काफ़ी भीड़ श्रद्धालुओं की और मास्क यहाँ पे किसी ने नहीं लगाया है जहाँ तक मेरी नज़र अभी जा रही है। आप खुद देखें, आप सबसे हाथ जोड़ की विनती है आप मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, क्योंकि कोविड की जो महामारी है अभी ख़त्म नहीं हुआ है। लगातार कोविड की संख्या में वृद्धि देखने को मिल रही है, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी और भी देखेंगे। पूरे घाट में श्रद्धालुओं की संख्या में कहीं कमी आपको दिखाई नहीं देगी, हर एक घाट में आपको श्रद्धालु संख्या में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये आप देख रहे हैं ब्रह्मकुंड घाट के पास, ये प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे आप जाके दर्शन कर सकते हैं माता रानी का। और हम आपको अभी दर्शन कराएंगे ब्रह्मकुंड का। कहा जाता है ब्रह्मकुंड का दर्शन करना काफ़ी अच्छा होता है और ब्रह्मकुंड के पास स्नान करना भी काफ़ी अच्छा होता है। तो हम आपको दर्शन कराने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिए। जैसे कि हमने कहा, आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोविड की जो गाइडलाइन है उसको पालन जरूर करें। यहां से मैं आपको चारों ओर का दृश्य दिखाने की कोशिश करता हूँ। इधर से हम लोग एंट्री किए हैं, मेन डोर है और मेन डोर से एंट्री करने के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं। जूता के स्टॉल दो तीन जगह लगा हुआ है, सामने दो जगह है और एक महिला घाट के पास है, तीन जगह जूता स्टॉल है, वहाँ पे रख सकते हैं। निःशुल्क का चार्ज है, किसी प्रकार के आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर एक गैया है, यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद आप गैया को कुछ दान करना चाहते हैं, खाना खिलाना चाहते हैं तो आप खिला सकते हैं। ब्रह्मकुंड का पावन दर्शन आप अभी कर रहे हैं अमावस्या के दिन। काफ़ी अच्छा आज दिन है और आज भीड़ भी श्रद्धालुओं की संख्या में काफ़ी ज़्यादा वृद्धि देखने को मिल रही है। अभी हम चलेंगे महिला घाट की ओर, महिला घाट का दृश्य दिखाएंगे। अभी हमें ब्रह्मकुंड के पास काफ़ी सारे श्रद्धालु आप अभी देख रहे हैं स्नान कर रहे हैं। यहाँ पे एक छोटी सी परेशानी हो जाती है कपड़ा चेंज करने के लिए, यहाँ पे चेंजिंग रूम नहीं है, थोड़ा हमें चल के जाना पड़ेगा महिला घाट। महिला घाट पे आपको चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है और घाट के दूसरी ओर काफ़ी सारे हैं चेंजिंग रूम जो आपको दिखाई दे रहे हैं। उस तरफ घाट के दूसरी ओर वहाँ पर आपको काफ़ी सारे चेंजिंग रूम मिल जाएंगे, वहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं। Thank you.
ये हम आ चुके हैं महिला घाट में, और आगे चल के आपको चेंजिंग रूम मिलेगा, काफ़ी सारे वहाँ पे चेंजिंग रूम है। लेकिन आप श्रद्धालुओं की संख्या में जो वृद्धि आज दिखाई आपको दे रहा है, तो आपको जाहिर से बात है स्नान करने के लिए भी यहाँ पे काफ़ी वेट करना पड़ रहा है, और स्नान करने के साथ साथ चेंजिंग रूम के लिए भी काफ़ी वेट करना पड़ रहा है। थोड़ा वेट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, दो मिनट लेट ही सही, लेकिन चेंजिंग रूम में ही कपड़ा चेंज करें। काफ़ी अच्छा सुविधा बनाया गया है गंगा सभा के सदस्यों के द्वारा, और जो अनाउंसमेंट होते रहते हैं गंगा सभा के सदस्यों के द्वारा, तो आप उसको ध्यान से सुने। अगर आपके कोई भी सदस्य बिछड़ जाते हैं तो गंगा सभा के सदस्यों के द्वारा वहाँ पे अनाउंसमेंट होते रहता है, वहाँ पे पुलिस चौकी है, वहाँ से भी अनाउंसमेंट होते रहता है। कहा जाता है कि आप सबके पास एक आईडी प्रूफ बच्चे के हाथ में या फिर बुजुर्ग हैं उनके हाथ में दे दें, उसमें नंबर, मोबाइल नाम, ये सारी चीज़ लिख दीजिए, जिससे क्या है अगर बिछड़ जाए तो किसी प्रकार की उनको असुविधा ना हो। मैं आपको चारों ओर का दृश्य दिखाऊंगा, जो सामने से जो आपको रास्ता दिखाई दे रहा है वो भी हरकी पैड़ी में ही आएगा, वहाँ पे भी जूता स्टॉल है जो कि निःशुल्क है। हम अभी चारों ओर का दृश्य दिखाएंगे। काफ़ी श्रद्धालु यहाँ पे डुबकी लगा रहे हैं, भीड़ तो आप देख ही रहे हैं, सारे घाट हाउसफुल है आज। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। हर हर गंगे।